राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेज में आज हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान विषय में खंड बे का अध्ययन हम करेंगे। खंड बे, और खंड बे में भारत का शासन, भारत में शासन और लोकतंत्र, जिसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे हम भारत में शासन एवं लोकतंत्र, और उसमें भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये आज हम पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 9610208295 इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। इसके अलावा आपका, यदि आप ये चाहते हैं कि जो भी पाठ, यानी जैसे मान लो हम हिंदी लिटरेचर का या हिंदी कंपल्सरी का या पॉलिटिकल साइंस का या मान लो इंग्लिश का, इनमें से किसी भी विषय का लेसन अपलोड होते ही आपके पास आ जाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करना चाहिए। सब्सक्राइब करना इसके लिए, और आपको ये बताना चाहूंगा कि एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जिसमें जैसे मॉडल पेपर अपलोड किया, या मॉडल पेपर के अलावा जो मोस्ट क्वेश्चंस है वो अपलोड किए जाएंगे सभी विषयों के, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए आप अवश्य इसको सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके लिए बहुत ही अधिक सुविधाजनक रहे। भारत में शासन एवं लोकतंत्र ये हम पढ़ेंगे, भारत का संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं। लेकिन संविधान क्या है, संविधान क्या है, इसके विषय में हमें पढ़ना जरूरी है कि संविधान किसे कहेंगे। संविधान का अर्थ स्पष्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले हम चलते हैं भारत के, यानी संविधान का अर्थ और परिभाषा क्या है। संविधान किसी देश को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए राष्ट्र के नागरिकों द्वारा सर्वसम्मत अंगीकृत एवं आत्मार्पित नियमों का दस्तावेज है। यानी यहां से किसी देश को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए राष्ट्र के नागरिकों द्वारा सर्वसम्मत होकर सर्वसम्मत अंगीकृत एवं आत्मार्पित नियमों का दस्तावेज संविधान कहलाता है। संविधान राष्ट्र के शासन का आधार होता है, जिसके माध्यम से उस राष्ट्र का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक एवं भौगोलिक संगठन का निर्धारण होता है। संविधान दो प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। भारत के संविधान के बारे में देखिए, हमारे संविधान में भारत की आस्थाओं, विश्वासों, आधारभूत शाश्वत मूल्यों, सिद्धांतों के समेकित दर्शन होते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया था। जैसे आप 11th क्लास में जब आपने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा और भारतीय संविधान का इतिहास भी पढ़ा था कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में आपने पढ़ा, थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान किस प्रकार अस्तित्व में आया, उसका इतिहास क्या रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। उसके बाद हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा, यानी एक राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट होने के नाते आपको भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान निर्माता जो सभाएं गठित की गई उनके माध्यम से एक कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में एक प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा और सदस्यों द्वारा एक संविधान निर्माता सभा का गठन किया गया 1946 ईस्वी में, और उसमें चुनाव में कुल 1645 स्थानों में से 925 स्थान इन विधानसभाओं को मिले। और इस भारी विजय पर संविधान के चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली, यानी अर्थात राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय जो थी 1885 में अस्तित्व में आई थी, और राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय संविधान निर्माता सभा का जब चयन किया गया,
तो उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस को सर्वाधिक मत मिले थे, 1645 स्थानों में से 925 स्थान। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 389 सदस्यों की संख्या थी जो मिलकर के एक संविधान निर्माण की रचना कर रहे थे। इसमें से 389 में से 292 मेंबर तो थे ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, जिसमें ब्रिटिश भारत का शासन था, जिसमें ब्रिटिश भारत 292। और इसके अलावा 4 सदस्य थे मुख्य आयुक्तों से, 4 मुख्य आयुक्तों से। इसके अलावा 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, देशी रियासतें थी जिनमें से 93 सदस्य आए हुए थे। और कांग्रेस ने प्रांतों के लिए निर्धारित 292 में से 208 केवल कांग्रेस के सदस्य थे। इन स्थानों पर कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी। और इसके अतिरिक्त जैसे सिखों के 3 प्रतिनिधि थे, 3 प्रतिनिधि सिखों के थे, और यूनियन पार्टी के 3 सदस्य थे, साम्यवादी दल का 1 सदस्य था, SC ST यानी कुल प्रतिनिधि 8 प्रतिनिधि थे और निर्दलीय निर्वाचित किए गए थे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 389 जो है सदस्यों की एक कैबिनेट बनाई गई और भारतीय संविधान बनाने के लिए, भारत के शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया गया। और उस दस्तावेज का इतिहास बहुत लंबा है, जिसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक राजविज्ञान संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, और वो प्रथम बैठक कब हुई थी, देखिए दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई और 23 दिसंबर 1946 तक चली। कब तक चली? 23 दिसंबर 1946 तक चली थी। और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संवैधानिक सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन्हें अस्थाई अध्यक्ष भी चुना गया था चुनकर के। और अब भारतीय संविधान की कार्यवाही स्टार्ट की गई, भारतीय संविधान को शुरू किया गया। और इस प्रकार भारतीय संविधान में बहुत सारी जो कमेटियां बनी गई, अलग अलग कमिटीज बनी हुई थी, उनमें से जैसे एक प्रारूप समिति थी जिसको प्रारूप समिति कहा जाता है। और प्रारूप समिति जो है वो 1947 में गठित की गई। इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों में इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर अंबेडकर थे, इसके सदस्य। यानी कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान का प्रारूप अर्थात भारतीय संविधान कैसा हो बनाने के लिए इसे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके माध्यम से ही संविधान को निर्धारित किया गया, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। फिर सिलसिलेवार इस पर बैठकें हुई और भी बहुत सारे वाचन भी हुए। इसका संविधान का जो इतिहास है वो बहुत लंबा है, लेकिन वैसा जैसे आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और यदि हम ये चाहें कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान के बारे में यदि आप अच्छी तरह से जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसके संबंध में भी एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो के माध्यम से आपने भारतीय संविधान की विस्तृत जानकारी है वो आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने काम पर, भारतीय संविधान की विशेषताओं पर। देखिए भारतीय संविधान के बारे में डॉक्टर क्या अंबेडकर कहते हैं कि मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान का कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांतिकाल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य भी है, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। भारतीय संविधान के बारे में हमने देखा, संविधान क्या है किसके बारे में लिखा गया। भारतीय संविधान की पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि इसमें किसी भी अन्य देश का, बाहरी शक्ति का कोई भी दबाव नहीं है। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अर्थात भारतीय जनता ही इसकी निर्माता है। जनता ने ही अपनी इच्छा से इसको अंगीकार किया है, अधिनियमित किया है और आत्मार्पित किया है।
और इसे किसी अन्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं गया है, तो पहली विशेषता होगी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। दूसरी विशेषता है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के बारे में देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। डॉक्टर के एम मुंशी ने इसे संविधान की राजनीति कुंडली कहा। देखिए प्रश्न हो सकता है ये कि संविधान को राजनीति कुंडली किसने कहा है, के एम मुंशी ने। इसके महत्व को देखते हुए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, संविधान को, प्रस्तावना को। प्रस्तावना के शुरुआत में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग अर्थात अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है, जिसे हम भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हम देखते हैं। देखिए यह है भारत की प्रस्तावना, जिसमें है लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च से शुक्ला सप्तमी समत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। आजकल हमारे विद्यालयों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रार्थना सभा में पढ़ा जाता है। प्रार्थना सभा में हम प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा की तरह ही भारतीय जो संविधान की उद्देशिका है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे भी पढ़ाया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना याद हो जाए। इस प्रकार की भारतीय संविधान की प्रस्तावना जितनी सटीक और समस्त जो भारतीय नागरिकों का की आवश्यकताओं को घेरे हुए हैं या आबद्ध किए हुए हैं, ऐसी कोई भी प्रस्तावना संपूर्ण विश्व में कहीं भी नहीं है। तो इसकी यानी दूसरी विशेषता है प्रस्तावना। तीसरी विशेषता देखिए, भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है विश्व का सबसे विशाल संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। जहां अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद, वहीं हमारे संविधान में जो है व्यापक संविधान है, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट है। अब तक इसमें 101 संशोधन हो चुके हैं, यानी 100 से अधिक संशोधन है वो हो चुके हैं। 300 मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। इसके अनुच्छेदों के जो अलग अलग जो अनुसंधान और ये जो संशोधन हुए, संशोधनों के अनुरूप तो जैसे इसके बहुत सारे अनुच्छेद है वो 450 से बाहर पहुंच गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 5 परिशिष्ट है और संशोधन की ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। इस कारण भी इसका स्वरूप विशाल हो जाता है। इसमें जो संशोधन हुए और संशोधनों के आधार पर जो और भी लिखा गया तो ये और विस्तृत होता गया। हमारा संविधान संघात्मक है, इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों का बहुत व्यापक वर्णन किया गया है। संविधान के एक अध्याय में तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 51 में है, यानी अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। संविधान की इसी विशालता को लेकर हरिविष्णु कामत ने कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। प्रश्न आ सकता है आपके कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, यह बात किसने कही, हरिविष्णु कामत ने। किसने कही थी, हरिविष्णु कामत ने। अगली विशेषता देखिए, देखिए हमारे संविधान का जो 101वां संविधान संशोधन था वो 2016 में हस्ताक्षरित किया गया, जो जीएसटी से संबंधित था, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित था, वस्तु और सेवा कर इससे संबंधित था, जो राष्ट्रपति ने 2016 में हस्ताक्षरित किया था। चौथी इसकी विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान।
बहुत सारे ऐसे संविधान है जो लिखित नहीं है, मौखिक ही है। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिपिबद्ध किया गया दस्तावेज है। संविधान सभा ने इसे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार किया। ये आपके प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा, तो आपको क्या लिखना है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। विस्तृत संविधान होने के बावजूद इसे देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसमें संशोधन की व्यवस्था भी की गई है। अब तक 101 संशोधन हो चुके हैं, लेटेस्ट जो है वो 101 से भी ज्यादा हो गए हैं। पांचवी इसकी विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, उनके अनुसार संसदात्मक शासन प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय बाद तो होता ही है, इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन भी होता रहता है। एक संसदीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है ये। क्या विशेषता है कि एक निश्चित समय के बाद तो उनका मूल्यांकन होता है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में दिन प्रतिदिन भी होता रहता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ध्यान रखेंगे, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति। राष्ट्रपति का पद गरिमा और प्रतिष्ठा का होता है, अनुच्छेद 52 से लेकर के और 78 तक लगभग राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। उसकी स्थिति संवैधानिक प्रदान की है, वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती है। राष्ट्रपति जो होता है वैसे पद गरिमा और प्रतिष्ठा का है, लेकिन ये संवैधानिक प्रदान होता है। उनकी शक्तियों का प्रयोग, वास्तविक जो शक्तियां होती है वो मंत्रिमंडल के हाथ में, और मंत्रिमंडल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कहने का अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रदान तो होता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो कार्य करने का काम है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। संसद का विश्वास समाप्त होने पर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर मान लो संसद में मंत्रिमंडल पर विश्वास समाप्त हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल है वो बर्खास्त होती है। इस व्यवस्था से ही प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, और भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी अपनाया गया, जहां राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख, राज्यों में जैसे मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल होता है, सेंटर में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान की एक बहुत ही अनूठी विशेषता है, वो है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक किया गया है। 12 से 35 तक इसका किया गया, 36 से 51 तक आपके जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। संविधान निर्माताओं ने 07 मौलिक अधिकार देश को, देश के नागरिकों को दिए थे। संविधान का जो मूल संविधान था जिसमें 7 अधिकार दिए गए थे, मौलिक अधिकार, जिनमें से एक को हटा दिया गया। जैसे वो कौन कौन से थे, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये जो 7वां अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अब ये मौलिक अधिकार 6 रह गए हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 कब हुआ था, 1978 में इसे हटा करके और एक एक कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब 6 अधिकार शेष रह गए हैं। इन अधिकारों का हनन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अधिकारों का मतलब है कि उनका हनन होने पर वो न्यायालय की शरण ले सकता है। 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था और जुलाई 2009 में संसद में पारित किया गया, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का यानी अधिकार, यानी प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया है 1 अप्रैल 2010 से। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में पारित हुआ था और जो जुलाई 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ है। 86वां संविधान संशोधन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ जो कि प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित था, और अब अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 के में क्या है,
21 के जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा प्राप्त हो की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने का, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं, जो कि अनुच्छेद 21 के में है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के में है। याद रखें कि यह अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है। जो स्वतंत्रता है ना, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें ही ये 21 के है। एम सी छागल क्या कहते हैं? एम सी छागल के अनुसार एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम सौंपकर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिस पर कोई भी सभ्य देश गर्व कर सकता है। एम सी छागल कहते हैं कि भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का काम भारतीय संविधान को सौंपा गया है, जो कि एक अनूठा है। 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, यानी 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़े गए, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। इसमें संविधान का पालन करना भी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे की भावना रखना, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना, ये प्रमुख कर्तव्य है। जैसे संविधान का पालन करना है, भारत ये भी एक कर्तव्य है। भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे की भावना रखना, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना, ये प्रमुख कर्तव्य है। ऐसे 10 कर्तव्य हैं। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। 11 कैसे हो गई? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा देने का, उनको पढ़ाने का कर्तव्य है, जो कि 11वां कर्तव्य है, वो अभिभावकों का कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य भी संविधान में जोड़ दिया गया, यानी अप्रैल 2010 से लागू शिक्षा के अधिकार के संबंध में 86वां संविधान संशोधन 2002, 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना अभिभावकों का कर्तव्य है। तो ये 11वां मूल कर्तव्य किसके लिए है? अभिभावकों के लिए। प्रश्न आ सकता है कि अभिभावकों के लिए किस मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो वह है 11वां मूल कर्तव्य। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, और संविधान के भाग 4 में सम्मिलित किए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4 में सम्मिलित किए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार है जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। नीति निर्देशक तत्व और अधिकार, इनमें थोड़ा अंतर है। अधिकार यदि छिन जाता है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार चलाने के लिए एक ऐसे तत्व निर्धारित किए गए हैं जिससे सरकार है वो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति करे, अर्थात जो योजनाएं हैं वो लागू करे। यद्यपि इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर हमारे अधिकार का हनन होता है तो हम सरकार को बाध्य कर सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन ये न्यायालय में वाद के योग्य नहीं है। ये अंतर है। अधिकार और कर्तव्य में क्या अंतर हो सकता है? कि अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय में जाकर के या न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होने के कारण किसी भी सरकार द्वारा इनकी उपेक्षा संभव नहीं है, लेकिन इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। इनका पालन करना प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है और वो अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं। 8वां इसकी जो व्यवस्था है वह है समाजवादी राज्य, सोशलिस्ट स्टेट। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, भारत को समाजवादी गणराज्य कब घोषित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में कब घोषित किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। यद्यपि मूल संविधान में यह शब्द प्रयुक्त नहीं था, मूल संविधान में यह समाजवादी गणराज्य नहीं था,
प्रस्तावना में यह शब्द भारतीय राज व्यवस्था को एक नई दिशा दिए जाने की भावना को दृष्टिगत रखकर के जोड़ा गया। मूल संविधान में समाजवादी गणराज्य ऐसा शब्द नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह शब्द जोड़ा गया और इसे 1976 में ही गणराज्य घोषित किया गया था। भारतीय संविधान की 9वीं विशेषता है वयस्क मताधिकार, जैसा इससे आप परिचित हैं, अडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे देश के संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया है। जो व्यक्ति चाहे स्त्री हो पुरुष हो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति वोट कर सकता है, अर्थात मतदान करेगा। यद्यपि मूल संविधान में यह आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा इस आयु सीमा को घटा करके और 18 वर्ष कर दी गई। ये 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय की बात है, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी, 61वां संविधान संशोधन में घटा करके इसे 18 वर्ष कर दी गई। 10वीं इसकी विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष क्या, सेक्युलर स्टेट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार, अनुच्छेद 25 में लिखी हुई है कि धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारत वैसे विभिन्न धर्मों का देश है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और वे अपने अपनी पूजा उपासना संस्कृति का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। अपने देश अपना संविधान कहता है कि देश का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया गया है। ये नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म को महत्व दिया गया है, ऐसा अपने संविधान में नहीं है। किंतु भारत में यूरोपीय मॉडल की भांति राज्य और धर्म के बीच पार्थक्य नहीं है, राज्य और धर्म अलग अलग नहीं है। संविधान राज्य को अधिकृत करता है कि वह धर्म से जुड़ी कुरीतियों का निराकरण करने के लिए धार्मिक मामलों में मूल्य आधारित हस्तक्षेप करें। अब जैसे मान लो संविधान है वो सरकार को या संविधान राज्य को एक अधिकृत करता है, मतलब राज्य को यह अधिकार देता है कि अगर मान लो किसी भी धर्म से, धर्म में कोई कुरीतियां जुड़ी हुई है, किसी भी धर्म में कोई गलत नीतियां स्थापित की गई, तो उन नीतियों का निराकरण करने के लिए राज्य है वो उनमें हस्तक्षेप कर सकता है, धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। इसे प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री राजीव भार्गव ने धर्म निरपेक्षता का उसूली फासले का सिद्धांत कहा है। धर्म निरपेक्षता का उसूली फासले का सिद्धांत है, वो किसने कहा था इसको, राजीव भार्गव ने। भारतीय संविधान की एक विशेषता है जो 11वीं विशेषता है विलक्षण दस्तावेज, डिस्टिंग्विश्ड डॉक्यूमेंट। ये विलक्षण है, यूनिक है, ये अद्वितीय है। संविधान निर्माताओं की बुद्धिमता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने संविधान में जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों, सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया है। हमारा संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है, अर्थात ऐसा दस्तावेज विश्व में कहीं पर नहीं है, अद्वितीय दस्तावेज है, इसके समान कहीं भी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका ने तो इसे प्रतिमान के रूप में अपने देश का संविधान बनाने हेतु काम में लिया है। दक्षिण अफ्रीका जो है उन्होंने हमारे देश के संविधान की बहुत सारी बातें हैं वो अपने संविधान में अपनाई है। तो ये एक विलक्षण दस्तावेज है, अर्थात इस ऐसे लक्षणों वाला है, ऐसी विशेषताओं वाला है जो विश्व में दुर्लभ है। विलक्षण का मतलब है यूनिक है, अद्वितीय है, अर्थात विशेष विशेषताओं से सुसज्जित हमारा देश का संविधान है। 12वीं इसकी विशेषता एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है, एकात्मक भी है संघात्मक भी है। भारत एक संघात्मक राज्य है, संविधान में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है, संघ के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स अर्थात राज्यों का संघ, जिसका अर्थ है राज्यों का संघ। संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एकक होगा, यानी एक संघ होगा, जिसे प्रचलन में राज्यों का संघ भी कहा जाता है। संविधान निर्माताओं की आकांक्षा ऐसा संविधान बनाने की थी जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता को बनाए रखे तथा राज्यों को भी स्वायत्तता मिले। केंद्र में सरकार हो लेकिन राज्य जो है वो अपनी स्वायत्तता हो, उनकी उनका स्वयं का नियम हो, स्वयं की सरकार हो और वो अपने राज्य में निर्णय ले सके, इस प्रकार उनकी मंशा थी। इसलिए इसमें संघात्मक और एकात्मक तत्वों का सम्मिश्रण किया गया, अर्थात उनमें केंद्र सरकार जो है वो नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है लेकिन
राज्य सरकारों को भी उसके संबंध में अपने अधिकार, अपनी स्वायत्तता दी गई है। संविधान के अनेक प्रावधान केंद्र को राज्यों की अपेक्षा शक्तिशाली बनाते हैं, यानी हमारा संविधान है वो अनेक प्रावधानों में केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली शक्तिशाली बनाते हैं। क्यों? जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों जैसे संघ सूची में स्थान, समवर्ती सूची में स्थान, केंद्र के निर्णय को प्रमुखता, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, आपातकाल में केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण, एक हरी नागरिकता। ये क्या है? एक हरी नागरिकता अर्थ है कि सभी भारत में रहने वाले भारत के नागरिक हैं। ये नहीं है कि जैसे राजस्थान में रहने वाले एक राजस्थान की नागरिकता अलग होगी, भारत की नागरिकता अलग होगी, ऐसा नहीं है। जैसे अमेरिका में है, व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, लेकिन अपने भारत में एक हरी नागरिकता है, व्यक्ति को एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। अखिल भारतीय सेवाएं जो कि सेंटर से होती है, संसद को राज्यों का पुनर्गठन करने का अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर उस समय, अब तो उसे भी शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता, केंद्र को मजबूती प्रदान, ये बातें हैं वो राज्यों को छूट नहीं है, अर्थात राज्यों से बाहर का विषय है। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तीन सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, जिसमें संघ सूची और समवर्ती सूची पर तो केंद्र का निर्णय है। अवशिष्ट शक्तियां जितनी भी वो केंद्र के पास है, आपातकाल में अर्थात अनुच्छेद 352 और 360, यानी जब कहीं देश में कोई आपातकाल हो जाता है या कोई वित्तीय आपात आ जाता है, तब केंद्र के द्वारा जो निर्णय पारित किए जाते हैं वही संपूर्ण राष्ट्र में संपादित किए जाते हैं, संपूर्ण राष्ट्र में लागू होते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS है, ये केंद्र सरकार ही निर्धारित करती है, और संसद को राज्यों का पुनर्गठन, राज्य जो हैं जितने भी जैसे अपने भारत के राज्य, उन राज्यों का पुनर्गठन करने का अधिकार भी केंद्र सरकार को है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता भी है और केंद्र को यह मजबूती प्रदान करता है। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते, केवल एक ही संविधान केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होता है, ये अपने संविधान की मुख्य विशेषता है। यहां अपने जैसे राजस्थान का कोई अलग से कोई संविधान नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, संविधान की सर्वोच्चता, प्रजातंत्र की रक्षा, जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में कई संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में नियुक्ति करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति का। ये बात अभी आप ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उन्हें संसद में महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है, उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। कार्यपालिका के आदेश तथा व्यवस्थापिका के कानून यदि संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन, उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार भी है। अब एक शब्द आया है, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि जैसे न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया गया और उस निर्णय को पुनः अवलोकन करने का, अर्थात पुनः उस पर विचार करने का अधिकार भी न्यायालय को है। न्यायालय चाहे तो पहले दिए गए उस अध्यादेश को अवैध भी घोषित कर सकता है, अर्थात उस पर पुनर्विलोकन कर सकता है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल कर्तव्यों की रक्षा के लिए 32वें का नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत पुनरावलोकन द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार प्रथा जैसे लेखों को जारी किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात व्यक्ति को प्रस्तुत करना, अधिकार प्रथा अधिकार प्राप्त करना, लेख जारी करना, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सभी व्यवस्थाएं की गई है, न्यायिक उद्देश्य को अर्थात न्यायिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। 14वीं इसकी विशेषता है, कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। किसी भी देश की परिस्थितियों में बदलाव के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। कोई भी देश, जैसे मान लो जो जो देश की परिस्थितियां बदलती है तो संविधान में भी बदलाव होना जरूरी है, तो ये अपने संविधान में ध्यान रखा गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है।
संवैधानिक संशोधन के लिए भारतीय संविधान में संशोधन विधि अनुच्छेद 368 में की गई है। 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है, अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन व्यवस्था कुछ भागों के संबंध में कठोर तो कुछ के संबंध में लचीली रखी गई है। संविधान में कठोरता का समावेश संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से और लचीलेपन का ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कठोरता का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है, लचीलेपन का ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन की कुल तीन विधियां हैं, जिसमें पहली विधि का अनुच्छेद 368 में नहीं है। देखो, तीन विधियां हैं जिसमें से पहली विधि जो है वो 368 में नहीं है। पहली विधि क्या है? संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जैसे राज्यों का पुनर्गठन, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, केंद्र शासित क्षेत्र बनाना, संसद सदस्यों के वेतन। ये पहला मतलब प्रकार है संशोधन का, ये जो 368 में नहीं है। अर्थात जैसे मान लो संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से इनमें संशोधन किया जा सकता है। अगर किसी राज्य का पुनर्गठन करना हो, कोई विधान परिषद को समाप्त करना हो या शुरू करना हो, या कोई केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाना हो, केंद्र शासित क्षेत्र बनाना हो, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते निर्धारित करने हो, तो इसके संबंध में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। दूसरा संशोधन है कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों की आवश्यकता होती है। दूसरी, पहला तो है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है संसद के उपस्थित संसद के सदस्यों का पूर्ण बहुमत होना चाहिए। उपस्थित सदस्य जो होते हैं उनमें से दो तिहाई सदस्यों की आवश्यकता होती है। और कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। ये तीसरे प्रकार का संशोधन है। तो पहले प्रकार का तो साधारण बहुमत हो गया, दूसरे में पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत, तीसरा जो है जिसमें दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत होना चाहिए, उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई सदस्य, इसके अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के जो विधानमंडल है, अर्थात जैसे मान लो अपने देश में जितने राज्य हैं उनके आधे राज्यों के जो विधानमंडल है उनका समर्थन आवश्यक है। राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति इसके अंतर्गत आती है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये विषय तीसरे संशोधन के अंतर्गत आते हैं। संशोधन के लिए ये जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। संशोधन की इन तीन विधियों में से स्पष्ट है कि संविधान संशोधन के लिए लचीले और कठोरता का मिश्रण किया गया है। इसके संबंध में डॉक्टर हवियर कहता है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये ध्यान रखो गया यहां से कि डॉक्टर वियर के शब्दों में भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। 15वीं इसकी विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय प्रभुसत्ता का समन्वय, हार्मनी बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सुपरमेशन। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत और संसदीय प्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया, बीच का मार्ग है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, साथ ही उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के उन आदेशों तथा संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के अनुरूप न हो। यह है न्यायिक पुनरावलोकन। अर्थात अगर मान लो ऐसा कोई आदेश हो, इस प्रकार का कोई नियम बना दिया गया हो जो भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप नहीं हो, भारतीय संविधान की अवहेलना करता हो, तो उसे न्यायालय है वो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से उसे समाप्त कर सकता है, उसमें संशोधन करवा सकता है। भारतीय संविधान की 16वीं विशेषता है विश्व शांति का समर्थक, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। हमारे जैसे कहा जाता है अयम निज गणना प्रोवेति लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तो वसुदेव कुटुंबकम, ये मेरा है ये पराया है, ये तो छोटे दिल वाले करते हैं। हमारे लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य का ये कर्तव्य है कि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करें। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51।
ये ध्यान रखेंगे। भारत न तो किसी देश की सीमा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है, ना ही अपने देश में किसी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करता है। भारत सरकार ने इसी भावना का अनुरूप पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। 17वीं इसकी विशेषता है आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 18 में यह उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध की स्थिति में, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण देश या देश के किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता। आपातकाल लागू करने के लिए एक तो अनुच्छेद 352, अगर मान लो कोई बाहरी देश आक्रमण कर देता है, कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, उस स्थिति में संपूर्ण देश का जो शासन है वो केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शासन और नियम निर्धारित करती है। अनुच्छेद 356 में अगर मान लो कोई राज्य है तो संविधान के अनुसार शासन करने में विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जैसे मान लो कोई मुख्यमंत्री संविधान के अनुरूप शासन नहीं कर पाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार अगर मान लो देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है तो संपूर्ण देश में आपातकाल लागू किया जा सकता है। अभी तक 360 का प्रयोग कभी भी नहीं हुआ है, 356 का बहुत बार हो चुका है, अभी भी एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है, इसमें राष्ट्रपति शासन के अधीन संचालित होता है। इकहरी नागरिकता का मतलब एकल नागरिकता। भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था की गई है और सामान्यतया संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, प्रथम संघ की नागरिकता, दूसरी राज्य की नागरिकता। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार है कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक हो सकती है, अतः संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में संघ राज्य की स्थापना करते हुए इकहरी नागरिकता को अपनाया है। इसकी 19वीं विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निश्चित किया गया है। इस हेतु केंद्र और राज्य सरकारें नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई, यह है लोक कल्याणकारी योजना, जिसमें नीति निर्देशक तत्व है उनमें भी इनको गाइड किया गया है। नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, जहां तक संभव हो आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। केंद्र व राज्य सरकारें संविधान में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे और जिसके लिए नियोजन की पद्धति को अपनाया गया, अर्थात अपनी योजनाएं बनाए। जैसे मान लो अपने पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं सरकार के द्वारा, राज्य सरकारें भी बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है, और उन पंचवर्षीय योजनाओं में वो क्या करेंगे, देश के लिए किस प्रकार, किस क्षेत्र में कितना बजट खर्च करेंगे, उससे संबंधित संपूर्ण जो विवरण है वो प्रस्तुत किया जाता है संविधान पटल पर या संसद में पेश किया जाता है। 20वीं इसकी विशेषता है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक और सांस्कृतिक रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान अनुसूचित जातियों एवं जनजाति क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं, संसद, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। ये ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 330 और 332। यह व्यवस्था 25 जनवरी 1960 तक के लिए की गई थी, किंतु संविधान में संशोधन कर इसकी समय सीमा को बढ़ाया जाता रहा है। अब 95वें संविधान संशोधन 2010 के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया, 25 जनवरी 2020 से भी आगे बढ़ गई है ये 2030 तक। और अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि कोई समय सीमा निर्धारित की गई हो। पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में 27 सितंबर 1993 में 27% आरक्षण लागू किया गया है। प्रस्तावना जो अपन ने पढ़ी ली है, और मैं ये समझता हूं कि आप भारतीय संविधान की संपूर्ण विशेषताओं को समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं भारतीय संविधान की सभी विशेषताएं, जो 20 से 21 तक की जो विशेषताएं हैं,
वह सारी विशेषताएं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका प्रत्येक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को याद होनी चाहिए। प्रत्येक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी उद्देशिका को याद करे और पढ़े, और उसमें संपूर्ण संविधान की विशेषताएं दी गई है, सारी विशेषताएं उसी में दी गई है। आप उसके माध्यम से सारी विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं, सारी विशेषताएं उसमें देख सकते हैं, इसीलिए उसे संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये था भारतीय संविधान का अध्ययन। उम्मीद करता हूं आपके लिए अच्छा रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।